आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए दमदार और धांसू रेडियो के साथ। यह है रामसंस का धमाका मॉडल वाला रेडियो। इसे मैंने 4 अगस्त को ख़रीदा था और आज इस 25 तारीख है, तो इस हिसाब से इस रेडियो को 21 दिन पूरे हो चुके मेरे पास। तो अगर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के आसपास मैंने इसे चला के देखा। अब यहाँ पे मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाऊँगा। 21 दिन में मैंने इसे अच्छे से चलाया है। इसका रिकॉर्ड है कि ये कम से कम प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटा चलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 42 घंटे मैंने इसे चला चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का यहाँ पकड़ के रखा है लेकिन यहाँ से चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने 21 दिन के अंदर में ही इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ पे जो है एक स्विच है, इसी और इसके अंदर मैंने एक बैटरी लगाया है। ये डायरेक्ट चार्जर पे चलता था, तो मैंने इसके अंदर बैटरी, चार्जिंग मॉड्यूल और सोलर पैनल से चलाने के लिए ये सॉकेट दे के रखा है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। चलिए पीछे से हम स्विच को चालू कर देते हैं। देख सकते हैं ये चालू हो गया। कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये FM पे है, सबसे पास वाले स्टेशन पे। देख सकते हैं मैं पूरा ऊपर लेके जाता हूँ। ये है मेरा एक एक्सटर्नल एंटीना, जिसे कि मैंने छत पे एक एंटीना लगा के रखा है, उससे मैं इसे जोड़ देता हूँ। देख सकते हैं अब हम इसे चला के ट्यून करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन स्टेशन इसमें पकड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अभी FM पे चलाया और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। हालांकि 2 बार इसने एक ही स्टेशन को दूसरे दो दो जगह पर पकड़ा, लेकिन मैक्सिमम इसने 4 स्टेशन पकड़ ली। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे FM का रिसेप्शन थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं चलता, क्योंकि यहाँ FM स्टेशन अगल बगल नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसके बैंड है, ये अभी FM पे था। अब मैं इसे शॉर्टवेव पर करता हूँ, ये शॉर्टवेव पर चले गया है। तो वैसे तो कहते हैं ऑफ करने के बाद चालू करना चाहिए वापस, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ, वापस से ऑन ऑन करता हूँ। हाँ अब मैं इसे ट्यून करता हूँ। देख सकते हैं एक स्टेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, और 14 नंबर का स्टेशन है, 15 नंबर का स्टेशन, 16 नंबर स्टेशन, 17 नहीं पकड़ा इसने, 16 स्टेशन इसने पकड़े शॉर्टवेव पर, और टोटल 4 स्टेशन पकड़े इसने FM पर। और अब हम लोग इसे मीडियम वेव पर करते हैं। ठीक है, मीडियम वेव पर यह कर दिया मैंने। यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेशन पकड़ लिया इसने, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, पांचवा स्टेशन, छठा स्टेशन, सातवां स्टेशन, आठवां स्टेशन, नौवां स्टेशन, दस, और ये 9 स्टेशन पर अटक गया। तो यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 16 बैंड SW में, 4 बैंड FM में और 9 बैंड इसमें MW यानी मीडियम वेव, या फिर हम लोग कह सकते हैं AM वाले में पकड़ा। ठीक है,
तो मैं इसका आपको ओवरव्यू करा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं रेडियो की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, 450 के हिसाब से मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं इसमें मीडियम वेव जो है वो 1580 किलो हर्ट्ज से यहाँ पे 520 किलो हर्ट्ज तक दिया हुआ है। हम लोग का एच डब्ल्यू जो है शॉर्ट वेव, यहाँ देख सकते हैं जैसा कि आप, शॉर्ट वेव जो है हमारा वो 19 मीटर से 60 मीटर बैंड तक का दिया गया है, और FM जो है वो 88 से 108 तक दिया गया है। बाकी TV1 TV2 भी हैं लेकिन उन्हें आजकल चलता ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, बल्कि उनको चलाने की जगह कभी कभी वहाँ पर रेडियो के स्टेशन ही आपको कॉपी मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं रामसंस का रेडियो है, ओरिजिनल रेडियो है। उसके बाद से ये इसका एंटीना है, यहाँ देख सकते हैं आप, एंटीना काफ़ी हद तक खुल जाता है लेकिन ओरिजिनल के जैसा मतलब जैसा पहले आता था वैसा नहीं है। देख सकते हैं मेरे फ्रेम में ही आ रहा है, ये काफ़ी मतलब लंबा नहीं है एंटीना लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ये हैंडल है, और पीछे मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैंने एक ये पहले से लगा हुआ था, इसके अंदर मैंने लगाया है एक चार्जिंग का मॉड्यूल, उसके बाद से सोलर पैनल से चलाने के लिए एक DC जैक, और यहाँ एक स्विच ऐड किया है ताकि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जो रेडियो का स्विच होता है ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों रिस्क लेना। इस रेडियो को मैंने 450 में ख़रीदा था, उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। इसका मैं आपको एक बार सेट कर लेता हूँ अपने पास वाले फ्रीक्वेंसी पे, 103 के आसपास ये रहा, और FM पे मैंने इसे सेट कर लिया, तो अब मैं आपको इसे चला देता हूँ। और आवाज़ फुल करने पर इस पर डिस्टॉर्शन बहुत शायद ही तो होगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि होता है डिस्टॉर्शन लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। देख सकते हैं डिस्टॉर्शन इसमें नहीं हो रहा है, तो काफ़ी मतलब मुझे इम्प्रेसिंग लगा ये। यहाँ देख सकते हैं इसमें 5 बैंड है, यहाँ पीछे से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको रेडियो को इसे खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये चालू है, इसे मैं बंद कर देता हूँ पीछे से, तो एक बार मैं इसे आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इसे नीचे करना है, एंटीना को खोलना है। इसका कवर काफ़ी पतला होता है, आजकल जो रेडियो आते हैं उनमें काफ़ी अच्छा लेदर के जैसा मोटा कवर दिया जाता है तो प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अब जैसा मिल रहा है 550 के हिसाब से ठीक ठाक है, मैं कहूँगा बेस्ट क्वालिटी है। 550 में अभी शायद से इतना कुछ मिलता भी नहीं है, एक स्पीकर का भी इतना कुछ मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ फिनिशिंग में, फिट एंड फिनिश में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा गड़बड़ किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्रैक व्रैक है, लेकिन वो क्रैक नहीं है, वो फिनिशिंग में दिक्कत हुई है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ अंदर में इसके बैटरी का कंपार्टमेंट है, यहाँ मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है बैटरी का कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैंने यहीं से जोड़ के रखा है DC सॉकेट को, इसको मैं लगा देता हूँ। इसे लगाना काफ़ी आसान है, इसे ऐसे बस दोनों जगह पे एक जगह के ऐसे कर देना है। फिर आगे से आप देख सकते हैं इसमें मेटल की ग्रिल नहीं मिली, इसमें मुझे मिली है वही प्लास्टिक की ग्रिल, लेकिन काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी वाइज तो ठीक ठाक है। अगर हाँ ऐसा है कि अगर आप इसे गलती से पटक दीजिएगा तो फिर ये टूटने का या फिर गिर सकता है, गिर जाए अगर तो टूटने का काफ़ी खतरा है, तो वैसे भी कौन इसे लेके नाचेगा, इसीलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा से लगा दिया है। इसके अंदर मैंने 4 वोल्ट की बैटरी ऐड की थी, जिससे कि मैंने जब रात में लगाया था 8 बजे, ये फुल चार्ज था 8 बजे रात में, तो वो 8 बजे से लेकर के सुबह में 11 बजे तक, यानी कुछ मतलब 2 दिन का आराम से ये बैकअप दे देता है। अगर आपको जो है एक दिन में 4-5 घंटे अगर रेडियो सुनते हैं तो 1 दिन से 2 दिन तक बैकअप मिल जाता है, तो आप रिचार्जेबल कोशिश करें खरीदने का, क्योंकि मैंने तो रिचार्जेबल नहीं ख़रीदा था, मैंने ये वाला ख़रीदा था जिसमें डायरेक्ट चार्जर पे चलता था, तो मैं कहूँगा कि आप रिचार्जेबल लें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अपने से इसमें बैटरी और मॉड्यूल लगाना पड़ा, और अभी मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि कैसे मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया जो कि जलता है जिस समय ये चार्ज होता है। बाद बाकी तो ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ देख सकते हैं इसका कवर जो है वो ठीक कहूँगा, क्योंकि फटेगा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब पतला है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी पतला कवर है लेकिन ठीक ठाक कवर है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी अच्छा है रेडियो, स्टेशंस भी अच्छे खासे पकड़ता है, और क्या ही उम्मीद करेंगे अब इतने प्राइस में, लेकिन जो भी उम्मीद, जितना भी उम्मीद कर सकते हैं उससे ज़्यादा ये देता है।
काफी अच्छा, मतलब देख सकते हैं नीचे से भी है आपका स्टिकर लगा हुआ है पूरा एकदम मस्त यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाकी तो वही जो सारे रेडियो में रहता है। अगर आपको जानना है कि मैंने अंदर में इसके कैसे कैसे मॉडिफिकेशन किए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके अंदर का भी व्यू जरूर दिखाऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा आपको ये वीडियो मिल जाए।